तो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर एक और नए वीडियो के साथ। आज हम आपको मोमोज की चटनी की रेसिपी बताएंगे कि किस प्रकार मोमोज की चटनी बनाई जाती है। आप भी इसे घर पर ट्राई कर सकते हैं। चलो तो फिर हम किचन में चलते हैं और मेकिंग स्टार्ट करते हैं। उसके साथ और स्ट्रीट फूड में चलता है मोमोज रोल के साथ में जो चलता है स्पाइसी वाली, ये टोमेटोज है, ये पटना मिर्ची है, ये बहुत ही स्पाइसी होती है पटना मिर्ची, उसके लिए तैयारी करें अपन। ये क्या क्या सामान लिया सारा बताओ एक बार। एक टोमेटो है, ये गार्लिक है, चॉप गार्लिक है, और एक लहसुन है, एक ऑनियन, दो चार ऑनियन है, बस फाइन चॉप। बिल्कुल फाइन चॉप। तो गाइस इनकी आप चॉपिंग स्किल्स देख सकते हो। अच्छा ये मतलब बड़े बड़े टुकड़ों में काट रहे हो ना? नहीं सर, इसको क्या पीस है तो क्या मिक्सी में क्या बड़े बड़े पीस के ढंग से नहीं पीस पाता। अच्छा अच्छा ओके, एक इसको ना यहाँ रखो। तो अरुण भैया मतलब अपन 1 किलो की लगभग चटनी बनाएंगे है ना, उसमें आपने 3 प्याज दिए हैं है ना, और ये लगभग मेरे को लगा 1 किलो के लगभग टमाटर आ रहा है ना, और आधे किलो मिर्ची, आधे किलो मिर्ची है, और आपने 200 ग्राम करीब चॉप गार्लिक है, 200 ग्राम चॉप गार्लिक है। अच्छा कितने दिन के लिए खराब नहीं होगी सर? एक्चुअली जब आप गार्लिक से उसको छोंक दोगे एक्चुअली वो खराब नहीं होगा, उसको फ्रिज में रखिए, जब जरूरत पड़े उसको बाहर निकाले, एक हफ्ते तक कुछ नहीं होता सर निकाल, एक हफ्ते तक चल जाएगा बाहर निकाले, मतलब जितना यूज करना है बना लो आप क्वांटिटी, जितना आप खाने की हफ्ते भर कितने खा सकते हो उतना बना लो, बाकी फिर उसको स्टोर कर दो। ये वाली चटनी घर पे बनाना चाहें तो कितना मतलब क्या क्वांटिटी में सामान लें थोड़ा सा बताओगे प्लीज? जैसे अभी अभी तो आप क्या ज्यादा बना रहे हो तो समझ में नहीं आएगा, तो थोड़ा आप ही बता दो। एक्चुअली सर कि इसको घर के लिए बनाने के लिए आप कितना बनाना चाहते हो, जैसे कि मतलब आप घर में 3-4 जने हो तो आप बनाओगे कि कम से कम आपका 150-200 ग्राम करीब मिर्ची ले लो, 200 ग्राम मिर्ची में आप डालो करीब 250 ग्राम करीब टमाटर डालो, उसमें 100 ग्राम चॉप गार्लिक ले लो, उसमें सफिशिएंट हो जाता है बिल्कुल। प्याज, प्याज सर उसमें ले लो आपके दो प्याज ले लो, दो प्याज सफिशिएंट। बाकी चीज के आप स्पाइसी कितना खाना चाहते हो, आप कितना स्पाइसी खाते हो उसी हिसाब से मिर्ची डालिए आप। ओके है ना, उसमें 100 ग्राम ले लो, कम मिर्ची खाने वाले 50 ग्राम ले लो। ओके आप स्पाइसी कितना खा सकते हो, आपको खूब सारे स्पाइसी खाने के शौक है तो अच्छी से अच्छी क्वांटिटी मिर्ची डालिए है ना। और ये क्या है घर में बनाते हैं तो आप मिर्ची को क्या है भिगो के बनाए, क्योंकि मेरा मिक्सी का थोड़ा कमजोर है उसको भिगो रहने चाहते हैं और बहुत अच्छा रहता है इसमें इसको भिगोने से, थोड़ा इसमें क्या मेरा क्या इसको दांत खराब होने चक्कर में तो इसको भिगोना नहीं है, भिगोने से पीछे थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है, तो घर में तो ज्यादा जल्दबाजी तो होता नहीं है, आराम से बनाए बनाए भिगोए उसको मिर्ची को धो के पानी फेंक के जिस भिगोए, हमारा तो मिर्ची सूखा हुआ मिर्ची है। तो कितनी देर पहले भिगो दे इसको? 10-15 मिनट भिगो दो, ज्यादा भिगोने की जरूरत नहीं है, 10-15 मिनट भिगो दो उसको पीस दो, इतनी अच्छी लहर आ जाती है ना उससे कोई वो नहीं है। पानी थोड़ा थोड़ा डाल के पीसी, तो भाई चटनी को सॉरी मिर्ची को पीसा जा रहा है थोड़ा पानी डाल के। ये देखो भाई, तो दोस्तों ये चटनी ये मिर्चियाँ पीस दी है भैया ने, इसमें पानी डाला था और अच्छे से पीछे बिल्कुल प्योरी पेस्ट बना दिया इसका है ना। चलो तो ये शिफ्ट कर दिया। तो दोस्तों आज मैं आपको लिटरली बहुत ही शानदार रेसिपी दिखा रहा हूँ। एक्चुअली अरुण भैया जो नेपाली स्ट्रीट फूड पे कार्ड लगा रहे हैं चाइनीज मोमोज वगैरह की, और वो चटनी बना के दिखा रहे हैं जो अपनी शॉप पे अपने कार्ड पे लगाते हैं, वो चटनी बना के दिखा रहे हैं।
देख रहे हो दोस्तों, मैंगो शेक बन गया है। तो पहले मिर्ची पीस ली, अब उसके बाद टमाटर पीसे जा रहे हैं। मजा आ रहा है भाई, और शाम भैया गई टमाटो की प्योरी, बिल्कुल फ्रेश प्योरी, फ्रेश प्योरी। भाई ये देखो, ये तो है मिर्ची, है ना, बहुत ही तीखी लग रही है। ये टमाटर की प्योरी है, ये जिंजर सॉरी गार्लिक लिए है इन्होंने, बिल्कुल बारीक काटे हुए हैं, और ये प्याज बारीक काटी हुई है। तो ये आ गया सबसे पहले तेल। अच्छा अदम भैया, दो तरह से बनती है ना, एक तो बिना छौके और एक छौके। सर हमारे बना दो तरह की ऐसी बनाते हैं, इसलिए कि गर्मी में जो बनता है वो चटनी छौके बनाते हैं, क्योंकि गर्मी ज्यादा होती है, स्ट्रीट फूड है तो क्या खराब हो जाता है, स्मेल मार जाता है, टमाटर है, बदबू मार जाता है, इससे गर्मी में हम छौकते हैं उसको, हम सर्दी में कच्चा रखते हैं। गार्लिक चॉप, गार्लिक गार्लिक के दीवानों में फुल भर के डालो। गार्लिक तो हम भी बहुत बड़े दीवान हैं सर, गार्लिक के बिना तो बिना गार्लिक के तो कोई जीवन ही नहीं है सर। सर ये तो गाइस बताया अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो गर्मी के चलते अभी भैया छौके वाली चटनी बना रहे हैं, जो ये छौके बनती है स्पाइसी चटनी जो मोमोज वाली, इसको क्या बोलते हैं छौके। हल्का गोल्डन ब्राउन हो चुका है गार्लिक, इसे डाल देते हैं ऑनियन। गोल्डन ब्राउन हो गया, अब आ गया ऑनियन। कोई लोग क्या करते हैं प्याज को पीस के डालते हैं, पीस के डालो वो टेस्ट नहीं आएगा, लहसुन भी पीस के डालो वो टेस्ट नहीं आएगा, जो चौके में टेस्ट आएगा वो पीसा हुआ टेस्ट नहीं आएगा। ओके बिल्कुल बिल्कुल, उससे क्या अच्छे से फ्राई हो जाता है, प्याज भून जाता है। अब आप पीस के डालते हैं तो पानी छोड़ देता है, पकता नहीं, ढंग से फ्राई नहीं होता है, सही बात है, कच्चा कच्चा टेस्ट आता है। तो गाइस ये देखो, ये अभी जो प्याज और गार्लिक इसमें डाला है चॉप करके, उसको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कर रहे हैं, ज्यादा ऑयल नहीं डाला है, बिल्कुल लाइट ऑयल डाला है हल्का सा। तो ये आ गई आपकी चटनी भाई, टमाटो प्यूरी डाल दिया ना, थोड़ा सा उबाल आते हैं अपन, ओके एक उबाल आने दो उसको, प्रॉपर जो ढंग से उबाल आ जाएगा ना तब तक का वेट कर रहे, इसका कच्चापन क्या खत्म हो जाएगा, हाँ इसका कच्चापन खत्म हो जाएगा। ये आ गई चिली पेस्ट, पटना वाली मिर्ची सर, खतरनाक वाली, पटना की मिर्ची यूज करते हैं, ध्यान रखना आप भी पटना की यूज करें तभी आपको मजा आएगा वो वाला। चटनी में तो अगर चटनी बनाना है ना तो जो मार्केट में जो लाल मिर्च मिलती है ना उससे नहीं बनेगी, उससे टेस्ट बैठेगा ही नहीं, तो साबुत ही देना पड़ेगा। हाँ कई लोग बोलते हैं भैया यार मिर्ची लाल टेस्ट नहीं बैठता है, क्योंकि और उन लोग कंफ्यूजन रहते हैं, लाल मिर्ची सब एक जैसी होती है, ऐसे नहीं होता। अब मोमोज की चटनी बनाना है भैया तो पटना मिर्ची यूज करना ही पड़ेगा आपको, पटना के मिर्च से ही बनेगी मोमोज की चटनी। पटना मिर्च आती है तो फुल स्पाइसी होता है, बिल्कुल लबाबदार बना दिया आपने, बिल्कुल पकेगा अभी और तगड़ा दिखाई। तो गाइस कोई कलर मिक्स नहीं है आपके सामने, पूरा प्रॉपर मिर्ची है कलर। हाँ
तो गाइस आप भी ये देख सकते हो, लोग नहीं, लोग क्या करते हैं कि लोग बोलते भैया कलर डालते हो, नहीं वो आपके सामने मैंने वो देख लिया प्रूफ है, कोई कलर नहीं, कोई कलर, ये मिक्स का कलर है गाइस। मैं लिटरली बता रहा हूं, इन्होंने देखो सबसे पहले ऑयल डाला, तो उसमें थोड़े से इन्होंने गार्लिक डाले थे चॉप, फिर उसके बाद उसको सॉटे करके उन्होंने प्याज डाली, प्याज डालने के बाद इन्होंने टमाटर प्यूरी डाली, टमाटर प्यूरी में एक हल्का सा बॉईल आया, बॉईल आते ही इन्होंने चिली पेस्ट डाल दिया पूरा, और चिली पेस्ट को आप थोड़ा सा पका रहे हैं और बढ़िया कलर आ रहा है ना, शाम का कलर भी अच्छा लग रहा है। और अब ये नमक डालेंगे, टेस्ट स्वाद अनुसार डालें आप, बिल्कुल ये आ गया इसमें नमक, जो कि हल खाने की जान है, नमक नमक नहीं तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अब भैया अदम भैया कितनी देर में रेडी है, ये 5 से 7 मिनट तैयार हो जाएगा, क्योंकि अब उबाल आ जाएगा ऊपर, अच्छे से उबाल आ जाएगा, बस हो गया, क्योंकि हाफ उबाल आ चुका है, तो 10 मिनट ज़्यादा ज़्यादा 10 मिनट बस। अच्छा गाइस ये जो चटनी बनाई है इन्होंने, ये मतलब फ्राई करके बनाई है, तो आपको मैं एक चटनी और बनवाऊंगा इनकी, अभी क्या गर्मियों का टाइम है तो गर्मियों के हिसाब से इन्होंने ये बनाया, एक बार आपको सर्दियों के सर्दियों में हम आप एक बार बिना छौंक वाली चटनी बना के दिखाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल वो बनेगी, वो क्या है सर्दी में चलती है वो, मगर और ज्यादा टेस्टी बनती होगी, हाँ और ज्यादा टेस्टी बनती है, जो चटनी होता है ना, चटनी का मतलब होता है कच्चा, कच्चा कच्चा होना चाहिए, पकाने का मतलब सब्जी हो गया, सब्जी हो गया, पकाने का मतलब सब्जी हो गया, चटनी नहीं कहलाता उसको, सही बात। अभी हमारी चटनी अब पूरी तरह से तैयार हो गई, देखिए पूरा लस्सी लवादार चटनी हो गई, ये देखिए फुल स्पाइसी है, मोमोज की चटनी एकदम है।